तो दोस्तों ये है स्मार्ट वॉच जो कि है फास्टट्रैक ब्रांड का। तो ये आज मैं आपको अनबॉक्स करके दिखा रहा हूँ और पूरा डिटेल में जानेंगे मैंने ऑर्डर कितने में किया, मुझे कितने का आया और आपको लेना चाहिए कि नहीं, सारा कुछ देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रोडक्ट मुझे पड़ा कितने का, मैंने कितने का परचेज किया और कब ऑर्डर लगाया था, कब मुझे मिला, पहले ये देख लेते हैं हम लोग। 1299 रुपए का मुझे ये वॉच पड़ा, ठीक है। तो मैंने 12 अक्टूबर को ऑर्डर किया बट मुझे मिला है ये जाके आपका 18 अक्टूबर को, 6 दिन के बाद। ये अभी के टाइम पे 1799 रुपए यानी 1800 रुपए के लगभग ही आ रहा है और 1299 का मैंने लिया। 1.83 डिस्प्ले है इसकी, सबसे छोटी डिस्प्ले है और यहाँ पे और भी डिस्प्ले के साइजेस दिए हुए हैं और इस जगह पे आप देख पा रहे हैं रिव्यूज काफी अच्छा है दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने परचेज किया है। 65,000 करीब 5-स्टार रेटिंग इसको मिली है, 112,191 लोगों ने रेटिंग किया है। अभी 1799 का है बट मुझे ये वॉच 1299 रुपए का पड़ा। बिग बिलियन डे के अंदर मैंने ये परचेज किया था, 12 को ऑर्डर किया, 18 को मिला। तो इस तरह से कुछ पैकेट में आया था, ये पेपर के बैग में था इस तरह से, इसे साइड में करते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्लास्टिक के अंदर ये बॉक्स मिला, ये प्लास्टिक है। और हाँ, ये बॉक्स देख के आप सोच रहे होंगे कि इस तरह का बॉक्स तो दिख नहीं रहा था हमें फ्लिपकार्ट पे। तो दोस्तों मुझे भी लगा था कि हमें जो मिलने वाला है वो पेपर बैग के अंदर मिलेगा, बट जैसा कि आप देख रहे हैं पहले जिस तरह से इसके वॉचेस आते थे सेम वैसा ही आया। चलिए आगे देखते। तो काफी कलरफुल मतलब ब्रांडिंग है इसकी, आप देख पा रहे हैं यहाँ सॉक्स बने हुए हैं जो जेवरा स्टाइल में, और यहाँ पे लोगो है 24/7 फास्टट्रैक स्मार्ट लिखा हुआ है, हैंड है और भी बहुत सारे पिक्चर्स हैं यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। इस जगह पे मॉडल लिखा हुआ है, यहाँ देख रहे हैं एमआरपी इंक्लूडेड दिया हुआ है और यहाँ पे वॉच हेड ब्लैक लिखा हुआ है, स्ट्रिप ब्लैक पे एक सील था जो आप देख पा रहे हैं मैंने पहले ही ब्रेक कर दिया। चलिए ओपन करते हैं, बस इस तरह से ओपन हो जाता है। यहाँ थर्मोकोल की पैकिंग दी हुई है आप देख पा रहे होंगे, इस जगह पे काफी अच्छा पैकिंग है। साइड करते हैं, ये वॉच है हमारा, यहाँ से इस तरह से बाहर निकलेगा, इसको साइड करते हैं। इसके अंदर ये पैक किया हुआ था सेफली, इसको बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे और भी कुछ पेपर्स वगैरह हमें देखने मिलते हैं जैसे कि फास्ट ट्रैक रिवॉर्ड FS1, यहाँ पे आपको ये स्टिकर मिल जाएगा और यहाँ पे मोड दिए गए हैं किस तरह से आप ऐप वगैरह इंस्टॉल करेंगे, किस तरह से आप इसे यूज करेंगे, वो सारी चीजें इसमें। 2 QR दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे एक और पाउच के अलावा यहाँ पे एक ये कार्ड अगेन मिलता है, बाकी यहाँ पे टाइटेनियम लिमिटेड वारंटी रजिस्ट्रेशन कार्ड लिखा हुआ है के अलावा एक छोटा सा केबल, बॉक्स खाली हो चुका है, साइड करते हैं। केबल मैं आपको दिखाता हूँ, चार्जिंग केबल, ऑफ कोर्स चार्जर नहीं आता साथ में, सिर्फ केबल आता है। तो ये है केबल, ये करीब 18 इंच होगा, 1.5 फीट के लगभग ये केबल है, USB-A टाइप है इधर, और यहाँ पे मैग्नेटिक बेस है, 2 छोटे पॉइंट आपको दिख रहे हैं जिससे ये स्मार्ट वॉच चार्ज होगा। एक टैग लगा हुआ है फास्ट ट्रैक का, मॉडल सीरियल सेम, हटाते हैं इसे। और ये एक स्टिकर इसके ऊपर लगा हुआ था इस तरह से, इसे साइड करता हूँ। यहाँ पीछे में देख रहे हैं सेंसर और ये 2 जो आप देख रहे हैं ये लाइट है, ग्रीन कलर की ब्लिंक करती है ये, और यहाँ पे भी एक स्टिकर लगा हुआ था इसके सेफ्टी के लिए जो मैंने रिमूव कर दिया। ये छोटे 2 बिंदु यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये हमारा चार्जिंग पॉइंट है, जब भी चार्ज करना हो इस तरह से यहाँ पे हम लोग प्लेस कर देंगे, मैग्नेट से ये फिक्स हो जाता है और ये चार्जिंग ले लेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक छोटी सी स्ट्रिप दी हुई है, इसको आप इधर से खसका के ये जो स्ट्रिप है निकाल सकते हैं। अगेन यहाँ भी दिया हुआ लॉक, इसे इस साइड से करके इसे निकाल लेंगे। चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इसकी क्वालिटी की, कि आखिर बिल्ड क्वालिटी कैसे। तो अच्छा लगा यहाँ पे देखिए फास्ट ट्रैक की ब्रांडिंग दिखेगी, 2 यहाँ पे बेल्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए दिया हुआ है जिसके अंदर आप जब भी इसे लॉक करेंगे तो इस तरह से आप बेल्ट को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। मल्टीपल होल्स दिए हुए हैं लॉक के लिए। यहाँ पे फास्ट ट्रैक की छोटी सी ब्रांडिंग दिखेगी जो बहुत खूबसूरत लग रहा है क्योंकि ये मैट ब्लैक है और उसके ऊपर ये लोगो सिल्वर व्हाइट के तरह मतलब दिखता है, तो काफी अच्छा लुक आ रहा है। फ्रंट में अगर देखें तो यहाँ पे एक बटन है, पीछे देखेंगे हम लोग यहाँ पे एक QR है, फास्टैग की ब्रांडिंग है और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ऑफ कोर्स ये सेंसर दिया हुआ है, 2 लाइट है, चार्जिंग पॉइंट मैंने आपको बता दिया, ये लॉक है, ये एक छोटा सा माइक है दोस्तों, यहाँ पे 2 हॉल आप छोटा देख रहे हैं, ये स्पीकर है तो इस पर आप कॉल भी अटेंड कर सकते हैं, एज अ ब्लूटूथ कॉल ले सकते हैं अगर आपका सेल कहीं है, इस पर कॉल आप रिसीव किए और इसी से आप हैंड के थ्रू बात कर सकते हो दोस्तों, आपको कॉल की वॉइस भी आ जाएगी और आप जो बोलेंगे वो आगे प्रोवाइड भी हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा साउंड है, मतलब काम चल जाएगा आपका, इतना अच्छा है कि आप भी बोलोगे कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं होने वाली। और यहाँ पे ऊपर से स्लाइड करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हमें देखने को मिलते हैं, जैसे साइलेंट करने के लिए है, ब्राइटनेस लेवल है, टैप करेंगे कम ज्यादा हो जाएगा, ये हायर ब्राइटनेस है, ये लोअर ब्राइटनेस है, तो इस तरह से आप ब्राइटनेस लेवल को अरेंज करेंगे। ये बैटरी के लिए इंडिकेशन दिया हुआ है कि अगर बैटरी कम है तो आप इसे बैटरी सेविंग पे डाल सकते हैं, तो वहां पे क्या बाकी जो फंक्शंस है उसको बंद करके एज अ वॉच ये काम कर
करेगा डिजिटल वॉच की तरह। यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसे ऑन ऑफ करने से ही वो रेज वाला ऑप्शन आता है कि अगर आप घड़ी ऊपर हैंड कर रहे हैं तो लाइट ऑन हो जाएगा स्क्रीन, अगर नीचे रख रहे हैं तो ऑफ हो जाएगा। तो इसे ऑलवेज ऑन रखेंगे तो जब भी हम लोग हैंड ऐसे करेंगे या इस तरह से हैंड करते हैं तो स्क्रीन जल जाता है और हमें पता चल जाता है टाइमिंग। ये कॉलिंग के लिए है, कनेक्टिविटी के लिए, कॉल के लिए यहाँ से फोन का जो ब्लूटूथ है कनेक्ट कर सकते हैं। मीडिया वगैरह ऑडियो ब्लूटूथ जो है वो कनेक्शन के लिए है। यहाँ से साइड करेंगे सेटिंग मिल जाएगा, सेटिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, फोन सेटिंग है, QR कोड है, पावर ऑफ दिया हुआ है, यहाँ पे रीसेट है, अबाउट है और रिस्टार्ट है। बाकी अगर मैं इसमें सारी चीज़ें बताऊं तो वीडियो काफ़ी बड़ा बन जाएगा, जो कि मैं नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि आपको अगर सेटिंग जानना हो तो आपने बहुत सारे वीडियो देख ही लिए होंगे और सेटिंग तो आप खुद ही स्मार्ट हो, मुझे पता है, ऑर्डर करोगे तो जान ही जाओगे। तो चलिए आगे देखते हैं, अब ऊपर करेंगे, कैंसिल करते हैं। यहां से हम लोग होम स्क्रीन पे आ जाएंगे वापस से। ये हमारा मेन स्क्रीन है, होम स्क्रीन। इस साइड अगर आप करेंगे तो यहाँ पे माई फिटनेस करके एक मिल जाता है शॉर्टकट, जहाँ पे आप कोई भी फिटनेस को ऐड करके रख सकते हैं जो आपको इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे स्टेप अभी रखा हुआ है कि मैं कितने स्टेप चल रहा हूँ। साइड करते हैं तो यहाँ पे स्लीपिंग क्वालिटी कि आप जब सो रहे हो तो क्या कैसे सो रहे हो, आपको ये बताएगा कि आपने डीप स्लीप कितने देर किया है, कितने देर आप सोए हैं, ये सारी चीज़ें जैसा कि स्मार्ट वॉच में होता है ये हार्ट रेट बताएगा आपका। और नेक्स्ट स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे क्लाउड में स्टोरेज के लिए पूछ रहा है, अभी मैं इसे कैंसिल कर दे रहा हूँ। यहाँ से आप मल्टीमीडिया हैंडल कर सकते हैं, प्ले पुश कर सकते हैं सॉन्ग को, वॉल्यूम कम ज़्यादा यहाँ से आप कर सकते हैं, नेक्स्ट प्रीवियस कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा लगा और मुझे सबसे ज़्यादा ये यूज़ में आता है, क्योंकि मैं एयरबड लगा के जब हेलमेट लगा लेता हूँ ड्राइव पे तो बहुत ज़्यादा काम आता है, क्योंकि ना मोबाइल निकालना, ना उधर एयरबड टच करना, इधर हैंड पे नेक्स्ट वगैरह हो जाता, तो काफ़ी मज़ा आता है दोस्तों। आगे चलते हैं, फिर से होम स्क्रीन पे आप आ जाएंगे। इधर से अगर मैं स्लाइड करता हूँ तो बाकी जितने फीचर्स हैं इसमें वो आपको लिस्ट दिख जाएंगे ग्रेड में, जैसे माई फिटनेस, मल्टी स्पॉट्स, और इसके बाद हार्ट रेट, ऑक्सीजन लेवल, स्ट्रेस, जी हाँ स्ट्रेस भी बताएगा कि आपको स्ट्रेस है कि नहीं, वो भी यहाँ पे बताता है। इसके बाद फ़ोन है, AI वॉइस है, फ़ोन में यहाँ से जाके आप कॉल कर सकते हैं। तो अगर अभी जैसे कि ये कनेक्ट नहीं है, मोबाइल से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे नंबर आते हैं और जितने भी रिसेंट डायल है वो आता है, तो यहाँ से आप कॉल भी कर सकते हैं। ये अच्छा लगा मुझे, वॉइस सर्च गूगल वगैरह अलेक्सा वगैरह वो सर्च के लिए दिया हुआ है। गेम्स है, म्यूजिक कंट्रोल मैंने आपको दिखाई दिया, कैमरा कंट्रोल, कैमरा को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, ब्रीथ है, ब्रीथ कितना आप लेते हैं, वेदर, अलार्म, स्टॉप वॉच, टाइमिंग, फाइंड माई डिवाइस, और यहाँ पर फाइंड माई डिवाइस पर टाइप आप करेंगे तो आपका मोबाइल रिंग करेगा। कि अगर ये बहुत अच्छा लगा कि मोबाइल कहीं रखा हुआ है, वॉच आप पहने हुए हैं, आपको मोबाइल मिल नहीं रहा, टैप कीजिए वो रिंग करेगा, आपको पता चल जाएगा आपका सेलफोन कहाँ है। तो काफ़ी अच्छा ये भी मुझे लगा, मतलब सोचा बता दूँ। उसके बाद यहाँ पे टॉर्च का ऑप्शन है, और टॉर्च में बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आप टॉर्च करेंगे तो ये टॉर्च बन जाएगा, तो ये पूरा स्क्रीन वाइट हो जाता है। मैं बहुत देर तक फ्लैश इसके अंदर ढूंढा कि टॉर्च आखिर ये कहाँ से होगा, बट जब मैंने यूज़ किया तो पता चला ये तो लाजवाब है। बाकी कितना टॉर्च का काम करेगा आप बताइएगा कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नोटिफिकेशन, और एंड में यहाँ पे सेटिंग है। तो दोस्तों घड़ी के अंदर रही बात क्वालिटी की, अच्छा है जिस प्राइस रेंज में आ रहा, अभी तो 2000 में ये मिल रहा है, पर आपको मैंने बता ही दिया मैंने बिग बिलियन डे में लाया था तो काफ़ी सस्ते रेट में पड़ा, क्वालिटी अच्छा है। बैटरी बैकअप की बात करूँ तो एक बार फुल चार्ज करने में करीब 1.5-2 घंटे लग जाते हैं, बट जो बैकअप है इसका वो लगभग मुझे अभी तक 3 दिन अगर कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं आप तो 2 दिन के अंदर में ये डाउन हो जा रहा है, जो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मुझे लगा कि यार एक बार चार्ज करूँ तो मतलब 1 वीक 7 डेज तो कम से कम चाहिए ही, बट अगर आप कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं तो ऑफकोर्स 2 दिन के अंदर डाउन हो जाता है। थोड़ा बहुत यूज़ अगर हो रहा है, मीडियम यूज़ पे 3-4 दिन खींचता है, और हेवी यूज़ पे तो खैर बता ही नहीं सकता मैं, क्योंकि मैंने खुद अभी तक उस तरह से यूज़ नहीं किया है। क्वालिटी काफ़ी अच्छा लगा, डिस्प्ले बहुत अच्छा है, डिस्प्ले की स्मूथनेस काफ़ी लाजवाब है, बहुत स्मूथ डिस्प्ले है, साइड से कर्व है डिस्प्ले, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये कर्व है चारों तरफ से, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये मैंने सबसे छोटा साइज़ मंगाया था, क्योंकि मुझे अपने हैंड पे ना एक बड़ा सा डिस्प्ले लगाना बहुत मतलब अजीब लगता है, और आप देखेंगे मैं ये भी घड़ी जब पहनता हूँ तो डायल मेरा नीचे की तरफ होता है, तो मैं ये स्मार्ट वॉच भी जब पहनता हूँ तो इसका डायल इधर रहता है, स्ट्रिप इधर रहता है, तो मैंने छोटे साइज़ में लिया और मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ये परफेक्ट साइज़ है। अगर आपकी कलाई छोटी भी है पतली भी है तो आप इस सबसे छोटे साइज़ में जाएं, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि बहुत लाजवाब मिलेगा आपको ये। अब लेना चाहिए या नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि तो अगर आपको स्मार्ट वॉच लेना ही है, आपने मूड बना लिया है कि मैं स्मार्ट वॉच ही पहनूँगा, तो
एक प्राइस रेंज के अंदर अगर कोई ब्रांड आपके साथ आ रहा हो तो ये बहुत अच्छी बात है। और फास्ट ट्रैक आप जान रहे हैं, एनालॉग की दुनिया में लोगों ने मतलब धमाल मचा रखा है, तो कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस जरूर यहाँ पे काम आएगा। और मैं ये कहूँगा कि प्रोडक्ट और भी बेटर बनाएंगे, लेकिन जिस प्राइस रेंज में ये मैंने खरीदा है उस प्राइस रेंज से अगर मैं इसे कंपेयर करूँ तो मैं आपको बोलूँगा डेफिनेटली बाय करना चाहिए। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है, बहुत मज़ा आएगा जब आप इसे यूज़ करेंगे। तो बाकी चलिए मैं इसको आपको ऐप के साथ बता दूं कि ऐप में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, कैसे कनेक्ट होता है, एक झलक वो भी देख लेते हैं। छोटा सा ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। और अगर आपको लगे कि नहीं पूरा डिटेल में जानना है सर, पूरा डिटेल में आप बताओ, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अगर बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं आप लोग को डिटेल में जानना हो तो एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा जिसमें इंस्टॉलेशन सेटअप पूरा एक एक चीज़ को यूज़ करके भी दिखा दूंगा कि किस तरह से वर्क हो रहा है, तो वो एकदम डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो हो जाएगा। इसका एप्लीकेशन है वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे फास्ट ट्रैक स्मार्ट करके इसका प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन मिलेगा। आप उसको इंस्टॉल करेंगे, कॉन्फिगर करना पड़ता है। यहाँ पे हार्ट रेट दिख रहा है, ऑक्सीजन लेवल दिख रहा है, एक्सरसाइज वगैरह है, ठीक है, स्ट्रेस लेवल जो मैंने आपको बताया, स्ट्रेस भी है इसमें, तो वो भी यहाँ पे शो करता है। तो ये हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा यहाँ पे एक ऑप्शन इन लोग का है कमिंग सून। अब रिवॉर्ड है, अब कमिंग सून लिखा हुआ है, कब आएगा मालूम नहीं, बस कमिंग सून लिखा हुआ है, तो देखते हैं क्या होता है। तीसरा यहाँ पे आप आएंगे तो एक कम्युनिकेशन सर्कल आपको दिखाता है और उसमें आप किस पोजीशन पे हैं उस चीज़ को दिखाता है। प्रोग्रेशन के अंदर 19 वॉल दिया हुआ है इस तरह का, तरह से आप देख रहे हैं इतने सारे फेजेस दिए हुए हैं, आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे फेजेस हैं, ये भी काफ़ी कूल फेज है आप देख रहे हैं, तो बहुत सारे 59 है करीब, एनालॉग में सबसे ज़्यादा दोस्तों 59। एक नीचे है एब्स्ट्रैक्ट का, उसके बाद 78, सॉरी एनालॉग से भी ज़्यादा निकला, देखिए कैजुअल के अंदर 78 फेजेस हैं। अब आप जो भी लगाना चाहें, जैसे इस तरह का ये चाहेंगे तो यहाँ पे इंस्टॉल ऑन वॉच लिखा हुआ है, आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे इंस्टॉल और वॉच है। जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखिए यहाँ पे इंस्टॉलिंग चालू हो जाएगा, ये 0% में दिख रहा है और ये यहाँ भी चल रहा है, जैसा कि आप बगल डिस्प्ले में देख रहे हैं, मेरे मोबाइल में भी चल रहा है और यहाँ भी है, 22% हो गया है। तो देखिए बहुत जल्दी होता है, क्विक होता है ये, तो एक बार आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, अपलोड हो जाता है ये आपके वॉच के अंदर, ठीक है। आपको मैं ये लाइव दिखा रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, चलिए जल्दी ख़त्म करता हूँ, अब ज़्यादा कुछ रहा नहीं है बताने का। तो ये अभी लगभग 100%, तो देखिए ये फेस चेंज हो गया, तो काफ़ी अच्छा है दोस्तों, ये भी मज़ा आ रहा है, मतलब हाँ ये कुछ अलग लुक है। एक फ़ायदा तो मैंने इस स्मार्ट वॉच का ये नोटिस किया है कि एनालॉग घड़ी में क्या है कि एक ही डायल है और बार बार आपको बस वही डायल देखना होता है। इसमें क्या है कि भले डिज़ाइन एक हो और स्ट्रीप एक हो, बट डायल का जो यहाँ पे शेप चेंज होता है ना, ये ज़बरदस्त है, ये मतलब आपको हमेशा ये फील नहीं होने देता कि आपने एक ही प्रोडक्ट को कितने लंबे समय से चला रहे हो, है ना। कस्टम के अंदर यहाँ पे टेक अ फोटो और चूज़ अ पिक्चर फ्रॉम लाइब्रेरी, तो यहाँ से हम फोटो लेके भी वॉच के अंदर लगा सकते हैं या फिर गैलरी से कोई पिक्चर पिक कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट में सेटिंग मिलेगा जहाँ पे प्रोफाइल के बारे में है, गोल्स हैं अपने, हेल्थ हैं, माई वेल्थ है, जनरल है, ठीक है। तो इतने तरह के कुछ ऑप्शन है। तो ये थे दोस्तों क्विक, आपको एक रिव्यू छोटा सा मैं देना चाह रहा था इस वॉच के ऐप के बारे में, किस तरह की ऐप मिलेंगे, क्या उसका रिव्यू है उसके बारे में। बहुत सारा मैंने मंगाया था, आप यहाँ साइड में टेबल पे देख नहीं पा रहे हैं, लाइन से प्रोडक्ट लगे हुए हैं, और आज मैंने फुर्सत निकाला कि सारा प्रोडक्ट मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बिग बिलियन डे में मैंने ऑर्डर किया था और कम से कम मेरे पास 10-12 दिन लगा दिए ये प्रोडक्ट पहुँचने में। पर अच्छी बात पता है क्या है, जब प्रोडक्ट आना शुरू हुआ तो एक एक करके रोज़ आया, तो इसका एक अलग ही मज़ा था, रोज़ एक नया प्रोडक्ट और एक नया एक्सपीरियंस, तो काफ़ी मज़ेदार रहा मेरे लिए पूजा का ये समय। और बिग बिलियन डे से मैंने सारे शॉपिंग किए, लगभग 20,000 का शॉपिंग मैंने किया दोस्तों, जी हाँ। और अभी जो वीडियो बन रहा है, ये जो वॉच की आप ऊपर से जो वीडियो देख रहे हैं, वो एक मोबाइल मैंने लिया है, अब कौन सा मोबाइल है, बहुत ट्रेंड में था वो भी बताऊँगा, और लेना चाहिए कि नहीं वो भी बताऊँगा, क्योंकि कुछ तो है उस मोबाइल में। चलिए मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक बने रहें, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और अगर डिटेल में जानना हो तो कमेंट करिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।